मऊरानीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मऊरानीपुर से जहां पर देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद नगर के बीच से निकली हुई सुखनई नदी में अचानक बाढ़ जैसे हालत बन गए, तो वहीं नदी को पुल से पार कर रहा एक मोटरसाइकिल सवार अचानक पानी की धार में बह गया। आपको बता दें कि रात्रि में हुई तेज बारिश के बाद नदी का जल स्तर बढ़ गया, तो वहीं नदी को पार करते समय एक 28 वर्षीय युवक जिसका नाम सनी बताया गया है बाइक से नदी के किनारे रिपटी से जा रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने वह गाड़ी सहित नदी में जा गिरा। तो वहीं मामले की जानकारी स्थानीय तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने नदी में बह गए युवक की खोजबीन शुरू कर दी है। तो वहीं गोताखोरों के द्वारा टीम के द्वारा स्टीमर के माध्यम से नदी में उतरकर युवक की तलाश जारी बनी हुई है। कहाँ के हैं आप? आज क्या घटना हुई है? आज ये घटना हुई कि नदी आ रही थी, वो बच्चा आ रहा था पुल से। क्या नाम था बच्चे का? सनी। कितनी उम्र है? 28 साल की। 28 साल की। कैसे था वो? बाइक से था, मोटरसाइकिल। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? अभी क्या हो, नदी में आ रहा था, पानी पुल पे आया तो बस वो नब संभाल नहीं पाया, बह गया। अभी पता चला है? अभी कुछ पता नहीं चला। पुलिस का क्या क्या कहना है? पुलिस का क्या दोष है उसमें? कहना क्या है इस पर? अभी ढूंढने में लगी है। कर रही है कि नहीं कर रही है? पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, पूरा प्रशासन लगा है। सर, आज जो कार्यक्रम था स्वीट नाइट का, तो क्या हुआ उस कार्यक्रम का? आज 4-5 दिन से जो है लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है, और ऐसे में कार्यक्रम कराया जाना जो है लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था, और इसलिए जो है हमारे जो है SDM साहब, सीओ साहब, सब लोगों ने विचार विमर्श किया कि ऐसी स्थिति में जो है कार्यक्रम कराया जाना ठीक नहीं है। इधर एक घटना भी घट गई है कि नदी में बाढ़ आ जाने के कारण एक लड़का भी बह गया है। इन सब परिस्थितियों के दृष्टिगत जो है आज का कार्यक्रम जो है, और आज का ही नहीं आगामी कार्यक्रम जो भी है वो सब जो है कैंसिल किए जाए। मऊरानीपुर से UD News के लिए प्रमोद झा की रिपोर्ट।